और सिलेंडर बढ़ गया, सब बढ़ गया ना, एक जीएसटी लग गई, काई की लग गई, सब गरीब लोग की है। 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया, हम लोगों को परवटे का वो, हम गरीब लोग है, ग्रामीण जिले से आए हैं, तो हमें वो नहीं परवटता ना, हम फिर से चूल्हे पे आ गए। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और जहां ये गाजे बाजे के साथ, ये किसी की बारात वारात नहीं निकल रही है, ये प्रदर्शन हो रहा है एक अनोखे तरीके से। ये तमाम लोग जो है ये महाराष्ट्र से आए हैं, इनकी वेशभूषा देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा। ये सभी लोग ऑल इंडिया फेयर शॉप्स डीलर्स फेडरेशन है ना आपकी, तो ये आप सब लोग डीलर्स हैं? अच्छा, महाराष्ट्र के कौन से जिले से? हम कोल्हापुर जिले से सब आए, सब लोग कोल्हापुर से। अच्छा, ये समस्या क्या है आप लोगों की और मांगे क्या है? बोला, हमारे ये समस्या है, जो हम गवर्नमेंट जो कमीशन दे रहे हैं वो बहुत कमीशन कम दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फूड प्रोग्राम एक्ट के दौरे में एक कमेटी ने चूज की थी, उनके जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट है 440 रुपये प्रति क्विंटल, ये रेशन दुकान द्वारा कमीशन मिलना चाहिए, उनका रिपोर्ट है, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे वो सुनती नहीं, इसलिए वो हमारे 440 रुपये, 440 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलना चाहिए, इसलिए हमारे मिलता कितना है? 150 मिलता है, 440 मिलना चाहिए उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सरकार ने पास करवाई थी, और मिलता है 150 मिलता है। इसके वजह से हमारे पहली मांग ये है कि हमको सबको इंडिया में जितने भी रेशन दुकानदार हैं उन सबको 440 रुपीज़ कमीशन मिलना ही चाहिए। नहीं, वो कमीशन नहीं देना चाहते तो हमको दर माह 50,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। सरकार के मंत्री कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिलाया मोदी जी ने, वो काम हम कर रहे हो कोरोना में, किसने काम, वो पुराने क्यों मिनिस्टर ने काम नहीं किया, तो शुक्रिया कहिए, वो हमने काम किया है, रेशन दुकानदार ने अपना जीव कोरोना के समय में सब रिस्क में डाल के वो सब धान्य बेचा है, धान बे, और एक एक दुकानदार का पूरा पूरा परिवार। अच्छा, आइए, हिंदी में बोलते हैं आप? हाँ, नाम आपका? अर्चना राजेंद्र कामले। अच्छा, आप भी इन फेडरेशन के साथ हैं? हाँ। अच्छा, आप भी डीलर हैं? डीलर हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से चलकर आप यहाँ तक आई हैं, संसद में प्रधानमंत्री के जितने भी सांसद हैं उनका कहना है कि फ्री में तो मोदी जी ने खाना खिलाया है 80 करोड़ लोगों को, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आप लोग यहाँ गाजे बाजे के साथ विरोध कर रहे हैं। अगर हमें फ्री भी मिला होता तो हम यहाँ पे आते क्या? आपको फ्री में नहीं? महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं हैं, सब लोग कोल्हापुर से आए? नहीं, अमरावती से आए। हमारा राशन है? अच्छा, राशन नहीं है, केरोसिन की प्रॉब्लम है, राशन और केरोसिन की प्रॉब्लम। 50 किलो में 4 किलो अनाज कम आता है। वो अनाज कहाँ जाते हैं? वो प्लास्टिक के कट्टा आता है, हमको वो चाहिए नहीं, वो घोंटे का चाहिए, प्लास्टिक का कट्टा नहीं चाहिए। कौन से महीने? कट्टे पे फोटो भी रहती है? हाँ, कौन से महीने? किसकी फोटो? ये 2 क्विंटल कम देता है हमको अनाज, अनाज कम देता है। हाँ, और ये नहीं। अच्छा, तो आप वो जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिल रहा है लाएंगे? हाँ। वो भी नहीं लाते। आपका नाम क्या है? सविता कृष्णा सुपे का। अच्छा। सविता जी, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है उसमें आप नहीं है फिर? मुफ्त में मिलता है ना, तो फिर वो बाकी के, तो आप शुक्रिया अदा नहीं कर रही फिर? शुक्रिया अदा कर रहे ना, तो हमको कब आता है ना अनाज, हम क्या करेंगे? वो मुफ्त नहीं देता है, सही बात है, पर ये जो अनाज हम देते हैं वो कम आता है ना। अच्छा। वो कहाँ से लेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे? गोडाउन से हमको माल कम आता है, हम क्या करेंगे? फिर वो देते हैं फिर और ये कमीशन नहीं मिलता, ऊपर से घाटा आता है, हम क्या करेंगे? हमारे खेड़े के लोग कैसे गांव के चिल्लाते हैं, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हम कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा गठ है, हम कभी महीने में लेते हैं, कभी महीने में लेके नहीं जाते, गांव को देते हैं। हाँ, तो गांव के जो लोग हैं वो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं कि हमें दो पूरा, वो बहुत चिल्लाते हैं, और आपको पूरा मिलता नहीं है? नहीं, पूरा मिलता है। हाँ। लेकिन पहले अच्छा अनाज आता था। हाँ। अब अनाज भी अच्छा नहीं आना लगा, अनाज अच्छा नहीं आता, नहीं अनाज अच्छा नहीं आता, वो बेकार अनाज आता है, वो लोग लेके नहीं जाते, वो कट्टा हमारे ऊपर बैठता है, हम क्या करेंगे? कमीशन भी आपको कम मिलता है? हाँ, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलता, सब घाटा है हमको। आता लाइसेंस मिल गया गट को तो चलाना तो पड़ेगा,
फिर तो मांगे क्या क्या है सरकार से? मांगे ये है 5 रुपए कमीशन और हमारा धान्य बराबर। बस 5 रुपए कमीशन? 28% GST लग रही है। GST तो सबको खाने पीने की चीजों पे 12-12% 28% मक्का को देते हैं। मक्का अभी तो 2-4 महीने हो गए मक्का ही आता है, मक्के का क्या करेंगे? वो मक्का हमारे ऊपर बैठता है, हम मांगते हैं लेकिन हम मक्के का क्या करेंगे? हमारी तो मांगे बहुत है लेकिन वो देंगे क्या? हमारे को ये मक्का मिलता है ना वो नहीं चाहिए, वो हम क्या करेंगे मक्का लेके? दर महीने में इतना मक्का लेके हम क्या करेंगे? वो कौन खाता है? वो जानवर भी नहीं खाते। वो नहीं चाहिए हमको मक्का, उसके बदले में हमें चावल। आपको कुछ भी अनाज दे दिया जाता है? हमारे इधर सिर्फ शक्कर आती सभी को मिलती थी, अदिना दिवाली ये बड़े बड़े सन से, अभी तो वो कुछ भी नहीं आता, ऊपर से धान्य कमी आता है, हम क्या करेंगे? लेकिन देखिए प्रधानमंत्री पर वो मोदी जी दे रहे फुकट में, ये सही बात है। फिर से वो सिलेंडर बढ़ गया, सब बढ़ गया ना, ये GST लग गई, काई की लग गई, सब गरीब लोग की है। तो ये फुकट में अनाज दिया लेकिन बनाने के लिए गैस महंगा कर दिया। फिर सबको मुफ्त में सिलेंडर दे दिया, जिसने नहीं लिया वो भी गया, जिसने लिया वो भी गया। फिर सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अब सब्सिडी बंद कर दिया और 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया। हम लोगों को परवटे का काम, हम गरीब लोग हैं, ग्रामीण जिले से आए हैं, तो हमें वो नहीं परवटता ना, हम फिर से चूल्हे पे आ गए। ये क्या तरक्की हुई क्या? पहले आपने बताया 1100 रुपए हो गए, 1170 कहाँ से भरेंगे? फिर खेती में पिक नहीं हो रहा, खेती में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, हम कहाँ से लाएंगे? इतनी दिक्कतें हैं मोदी सरकार, बचत गोट को लग गया वो लाइसेंस, हमारे यहाँ तो घाटा ही घाटा है, वो तो भेज रहे हैं पर हमारे यहाँ घाटा है ना। अच्छा मोदी सरकार से इतनी दिक्कतें हैं आपको, लेकिन देखो देखो महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली ना? हो ना बना ली, मोदी सरकार गरीब लोग का कुछ नहीं कर रही, सब बड़े लोग का। सरकार कैसे बना ली फिर? बनाई मंत्री लोग आ गए, एकनाथ शिंदे को तो अपने साइड ले आए ना, ये नहीं है हमको पता। अब तो नए मुख्यमंत्री आ गए, नए मुख्यमंत्री नया काम करेंगे? अरे नए नहीं करते, जूने नहीं करते, कोई नहीं करते, सब अपने अपने करते हैं, हाँ सब अपने करते। घर कुल दिया मोदी जी ने किसको दिया? बड़े लोग को दिया, गरीब को दिया क्या? नहीं दिया। सबका साथ सबका विकास मोदी जी है कि वो कैसे निकल आए महाराष्ट्र से, अब वो बड़े लोग हैं, वो कोई भी झोलझाल कर सकते हैं ना। अच्छा, हमने मतलब एकनाथ शिंदे ने झोलझाल किया होगा? वाह, हम ऐसे गारंटी तोड़ लेते हैं, ये जो भी बड़े बड़े नेते हैं, गारंटी कोई मंत्री की नहीं है। आपने जिसको चुन के मुख्यमंत्री बनाया वो तो सब जनता ने चुना, हमने अकेले चुना क्या? फिर उनकी तो सत्ता गई ना। हाँ, और मैडम जो APL के गट के जो शेतकरी लोगों के धान्य बंद कर दिए है, काश्तकार लोगों के जो धान्य उन्होंने कम कर दिए, बंद कर दिए, वो भी उन्हें देना चाहिए ना। हम के इतने अमीर लोग थोड़े, काश्तकार की परिस्थिति तो आपको मालूम है कैसे। शेतकरी लोकाला धान्य नहीं मिला, ते म्हणते आमचे काउन नाही धान्य। हिंदी बोलता है हिंदी। इधर गाँव के लोगों की, काश्तकार लोगों की समस्या बहुत है, लेकिन उसने हमारा अनाज बंद कर दिया। काश्तकार लोगों का वो क्यों बंद कर रहे? आप इतने बड़े बड़े उद्योगपति को लोन देते हैं और माफ करते हैं? आज यहाँ मोदी जी के भाई भी आए थे आप लोगों के बीच में, आप लोग उनका माफ, उनको जो कर्जा देते हैं वो माफ कर देते हैं आप? तो एक सेकंड, मोदी के भाई भी आज आए थे, वो भी परेशान है, देश के प्रधानमंत्री का भाई भी परेशान है। वो ना वो परेशान है तो किसके लिए है परेशान? बोलो, वो तो आपके साथ लोग के लिए है क्या? गरीब लोग के लिए? वो तो आपके साथ आए थे ना? लोग के लिए है, नहीं आए हमारे साथ, नहीं आए मोदी जी के भाई। मोदी जी के भाई आपके साथ नहीं? गरीब लोगों के लिए? हमने तो भाई भी नहीं देखे, नहीं देखे, नहीं। अच्छा, हम कहाँ से देखे? वो BPL APL वाले की काश्तकारी के वो कंट्रोल बंद हुआ, वो सारे लोग चिल्लाते हैं, हमारा राशन कहाँ गया, हमारा राशन कहाँ गया, हम क्या बोलेंगे उसको? नहीं आया। फिर वो तो बड़े लोग, चलिए वो बड़े लोग हैं, मतलब मोदी जी के भाई भी बड़े लोगों में शुमार है, उनको भी अपने बीच में नहीं गिनती है, वो बड़े लोग हैं। ठीक है, ये बड़े लोग हैं सारे, यूपी के हैं,